अमलिकुम यार, छोटी सी बात करनी थी आप लोगों के साथ। अगर एग्री किया तो कमेंट करके जाइएगा, अगर डिसएग्री किया तो भी कमेंट करके जाइएगा। इमरान खान साहब जब इकतदार से पहले इकतदार में नहीं आए थे, इकतदार में आने से पहले की बात है कि वो बड़े नारे लगा रहे थे, मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, हर चीज़ को सस्ता कर दूंगा, अगर पेट्रोल महंगा हो डीज़ल महंगा हो तो समझ लो हुक्मरान चोर है। तो अभी मुझे समझ नहीं आ रही, अभी तो 1 करोड़ नौकरियां भी नहीं है, बल्कि जिन लोगों की नौकरियां लगी हुई थी वो भी बेरोज़गार हो गए हैं, अभी उनको क्या कहा जाए मुझे नहीं पता। लेकिन इसके बरक्स अगर आप परीजात ड्रामा देखेंगे और परीजात को देखेंगे तो उसने कई करोड़ नौकरियां दे दी हैं, लोगों के रोज़गार ठीक कर दिए हैं, मतलब है कि हर चीज़ को उसने सस्ता करने की कोशिश की है गरीबों के लिए, यानी कि उसने गरीब आवाम का ना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है। तो अगर उसके मुकाबले में इमरान खान साहब को हटा दिया जाए और परीजात को उनकी जगह PM बना दिया जाए, यानी कि प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, तो वो मेरे ख्याल में ना अपना हर वादा पूरा कर सकते हैं। हालांकि परीजात ने कोई वादा नहीं किया था, बस उसको जो भी सही लगता है वो करता चला जा रहा है, और देखें आवाम का रिएक्शन कि हाँ आवाम पूरी की पूरी उसके हक में है, उसके साथ खड़ी है। तो इसके मुकाबले में अगर इमरान खान साहब को आप देखें तो उसके जितने भी ज़्यादा सपोर्टर थे ना, जितने भी सपोर्टर थे इलेक्शन से पहले या वोट डालने के बाद, तकरीबन 6 महीने तक हर बंदा बड़े फ़ख्र से कह रहा था कि हम तो PTI के हैं, हमने PTI को वोट दिया, हम PTI को सपोर्ट करते हैं, नया पाकिस्तान बनेगा, ये होगा वो होगा। तो अभी आप अगर उसी आवाम का रिएक्शन देखें तो वही लोग जो इमरान खान के जानसार थे, जान कुर्बान करने वाले थे, इमरान खान साहब को इकतदार में लाने वाले थे, वही अपनी फेसबुक की IDs बदला के ना तब्दील कर करके वही इमरान खान साहब को गालियां दे रहे हैं, और वही कह रहे हैं कि हमने तो वोट नहीं दी, हमने तो वोट नहीं दी, हमने तो वोट नहीं दी। और भाई अल्लाह के बंदो, अगर आपने वोट नहीं दी तो मुझे बताएं किससे वोट दी है फिर इमरान खान साहब को। तो इमरान खान साहब से मैं इतना पूछना चाहूँगा कि सर उस वक्त तो आप कह रहे थे कंटेनर पे खड़े हो के मैंने जो अरबों रुपए की जो धांधली हुई है मैं वो वापस पाकिस्तान लेके आऊँगा, 90 दिनों के अंदर नया पाकिस्तान बनेगा। तो भाई अभी तो 3 साल से भी ऊपर का अरसा गुजर गया है सर, तो अभी तक आपने कुछ नहीं किया, बल्कि जिन लोगों को आप कह रहे हैं कि जिन्होंने धांधली की है वो लोग तो मुल्क से बाहर चले गए हैं और आपके सामने ही चले गए हैं, आपको बता के चले गए हैं, और आप कुछ भी नहीं कर पा रहे। बल्कि अभी तो आप कह रहे हैं कि वो आप मेरी मदद करें, उनको वापस लाएँ। भाई हम क्या कर सकते हैं जब आप कुछ नहीं कर सकते, तो मुझे बताएं ना आप यहाँ क्या छड़कले लेने के लिए बैठे हुए हैं या हुच्छू लेने के लिए बैठे हुए हैं? खुदा का नाम ले, अगर आपसे कुछ भी नहीं हो रहा ना तो ये आवाम पिस चुकी है और आपको छोड़ के परीजात के हक़ में वोटिंग करना शुरू कर दिया है इन्होंने। अगर आपका यही हाल रहा, आपने कोई तब्दीली नहीं की ना, तो अगले 5 साल की हुकूमत परीजात को मिलने वाली है, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, क्योंकि वो गरीब आवाम के लिए बहुत कुछ कर रहा है, अपने सपोर्टरों के लिए बहुत कुछ कर रहा है। तो आप भी होश के नाखन लें, थोड़ा सा अपने बारे में सोचें, अपने मुल्क के बारे में सोचें, गरीब आवाम के बारे में सोचें, ताकि अगली बार आपको ना 5 साल का मौका मिले। वरना मुझे नहीं लगता कि आपके यही हालात रहे तो अगले आपको 5 साल के अगले 50 साल में भी फिर दोबारा मौका मिलेगा। बस यही बात करनी थी, कॉमेंट कीजिएगा ज़रूर। अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।